हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। ये मैंने नया वाला आया है ना मैगी का वेजी मसाला, ये मैंने लिया था तो ये बना रही हूँ। सिंपल वाला, ऐसे इंस्टेंट वाला जो बनता है ना, कुछ सब्जी बिना डाले ही मैं बनाऊँगी। और देखते हैं ऐसी सब्जियाँ ये अंदर है क्या। मैं फर्स्ट टाइम ले रही हूँ, अभी तो रिसेंटली लॉन्च हुआ है ना ये वाला, तो फर्स्ट टाइम लिया है मैंने। मैं निकाल के बताती हूँ। मैंने पहले ये मैगी का जो केक हुआ था ना, नूडल्स, वो डाला है, फिर मसाला डाला है, पानी बाद में डालूंगी। एक गिलास पानी से हो जाता है, मैं अंदाजे से दे रही हूँ। ये वेजीज है, थोड़ा 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 ही डालेंगे। घर पे डालते हैं तो पसंद नहीं आता है ना बच्चों को, तो ये ड्राइड वाला ही थोड़ा थोड़ा ये पसंद है उनको, पर फिर भी बोलेंगे ये प्लेन वाला क्यों नहीं लेके आए। 1.5 वो केक जो है ना वो डाला है, नहीं तो 1 पीस ना बहुत थोड़ा सा हो जाता है। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी कर रही हूँ। इडली बनाया हुआ है और मैं आलू की सब्जी एक बनाऊँगी विदाउट ऑनियन गार्लिक, बिना प्याज लहसुन के। तो ऐसे मैंने आलू बॉईल करके रख दिया है निकाल के, मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है तेल में, और एक पेस्ट मैंने तैयार करके रखा है, टमाटर और हरी मिर्च, अदरक, काजू, थोड़े से लौंग और इलायची और थोड़ी सी दही, बस इतना ही डाल के ये वाला पेस्ट बना के रख दिया है। अब प्याज तो नहीं डालना है, तो जीरा डाल रही हूँ, थोड़ी सी हींग और तेज पत्ता, फिर ये पेस्ट डाल देंगे। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, काली मिर्च, तो ये जीरा पाउडर है, क्यूमिन पाउडर और धनिया पाउडर, सब डाल के अच्छे से भूनेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो अच्छे से भुन जाएगा। अच्छे से भुन गया है मसाला, अब हम आलू डाल देंगे। तीन आलू डाल दिए मैंने ऐसे हाथ से ही फोड़ के। अब पानी डाल देंगे। कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं आपके हिसाब से। मैं थोड़ा रनी बना रही हूँ, इडली सांभर जैसे खाना है ना, इसीलिए। अब इसमें नमक डाल देंगे, ये धनिया पत्ता भी डाल देंगे। अच्छे से बॉयल आ जाएगा तो इसको बंद कर देंगे। और ये मैंने बनाया था ना, एक बार मैंने शेयर किया था, चित्तू पिठा हमारे यहाँ नारियल और राइस का जो होता है, वो बैटर रेडी करके रखा है, वो बनाऊंगी। इसको मैं दूसरे स्टोव पर ट्रांसफ़र कर दूंगी। यहाँ पे तवा चढ़ा दिया है, थोड़ा सा मैं तेल डालूंगी,
और यहाँ पर बॉयल ले लिया है सब्जी ने, अच्छे से बन गया है। मैं गैस भी ऑफ कर रही हूँ और यहाँ पे इसको चेक करेंगे, ये और बनेगा थोड़ी देर, अभी चेक करेंगे। हाँ, ये बन गया है। ऐसे नीचे से बेस से स्क्रेप करते हुए इसको उतार देंगे, इसको फैलाना स्प्रेड करना नहीं होता है। देखिए ये कैसे राउंड शेप में बना है, और बेस से मैं दिखाती हूँ। ऐसे थोड़ा सा तेल डाला था तो ऐसे बन गया है। अगर अच्छा बैटर होगा ऐसा, मतलब नारियल और चावल का रेशियो अच्छे से होगा, प्रोपोर्शनेट होगा, तो ऐसे बिल्कुल ही फूला हुआ ये पिठा, चितो पिठा निकलेगा। इसमें मैंने एक ग्लास, मतलब 150 ग्राम्स होगा राइस, और वन बड़ा सा एक नारियल उसका बैटर बनाया था। मैंने खाना सर्व कर दिया है, पात्रो जी बैठे हैं उनको खाना दे दूंगी। पात्रो जी को नारियल बहुत पसंद है, तो मैं जब भी नारियल कुछ लाती हूँ चटनी ऐसे और ये वाला चितो पिठा बना देती हूँ। फिर से थोड़ा सा तेल डाल दिया है, इसमें आज मैंने इडली बनाया है, तो ये और नीचे एक है प्लेट, और ऊपर का एक प्लेट हो गया पात्र जी को दे दिया, और ये चितो पिठा और ये सब्जी, वो सब्जी है, एक एक करके निकाल के रख रही हूँ मैं। ये पिठा ना गर्मा गर्म अच्छा लगता है, और ठंडा होने के बाद भी अच्छा लगता है, उसे कोई स्वाद में फ़र्क नहीं पड़ता। और ये हमारा आज का ब्रेकफास्ट है, इडली और चितो पिठा, और ये डिफरेंट टाइप का आलू की ग्रेवी वाली सब्जी। आप भी इस तरह बनाइए और मुझे बताइए कि कैसा लगा।